जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मेरे हाथ में शूज हैं। ये किसके लिए है? जो फास्ट बॉलर, जो मैंने फास्ट बॉलिंग के बारे में आपसे बात की थी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, है ना, जो प्रिंसिपल्स आपको बताए थे फास्ट बॉलिंग के, जो मैंने आपको फास्ट बॉलिंग के लॉज बताए थे, जो मैंने आपको फास्ट बॉलिंग के एक्शंस बताए थे, जो मैंने आपको फास्ट बॉलिंग के फेसेस बताए थे, जो मैंने आपका फास्ट बॉलिंग का एटीट्यूड बताया था, अगर करेक्ट एक्शन बायोमैकेनिकली कंसिडरेशंस के साथ में किसी खिलाड़ी का मिलता है तो मैं उस बच्चे को ये शूज भिजवाऊंगा। एक है ना, इंडिया प्लेयर है, डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड जो क्रिकेटर होते हैं उनकी जो इंडियन टीम बनती है उसके मेंबर है, उनके लिए भी एक शू मैंने जो है वो भिजवाने का आज प्रयास किया था, क्योंकि उनके गाँव में अभी वो कुरियर नहीं जा रहा, इसलिए वो नहीं जा पा रहा है। एनीवेज, मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ बैट की ग्रिप को लेकर, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ। फास्ट बॉलिंग में जो जिसका बेस्ट एक्शन होगा ये शानदार जो ट्रेनिंग शू है उस बच्चे के लिए होगा। एनीवेज, कोई बात नहीं, आप ट्राई करें और अपनी वीडियोस भेजें, मेरा नंबर रहेगा, राइट? आप उस नंबर के ऊपर अपनी वीडियोस भेज सकते हैं, मैं जज करूंगा हु विल बी यू नो द राइट पर्सन फॉर दिस काइंड ऑफ शूज। बैट, बैट को ग्रिप कैसे करना है, स्टांस, स्टांस में आना कैसे है, बैक लिफ्ट वो किस प्रकार से होगी, डाउन स्विंग वो कैसे होगी, फॉरवर्ड डिफेंस, इसके बारे में मैं आप सबको बहुत ज़्यादा बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन के साथ में विस्तृत बता चुका हूँ। बड़े ज़बरदस्त मोटिवेशनल SMS आ रहे हैं मेरे पास, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारे कोचेज, बहुत सारे जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सभी एकेडमीज के लोग हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल मेरे को कि क्या भाई वेल डन। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तो हूँ, ये तो सुनिश्चित, मैं एक तेज गेंदबाज था, डिफरेंट था, मैं एक बैटर था, डिफरेंट था, तो वो डिफरेंट एग्रेसिव बैट्समैन, एग्रेसिव फास्ट बॉलर, क्या आप चाहते हैं कि 140 की रफ्तार से गेंद डाले, क्या आप चाहते हैं कि 120 मीटर का छक्का मारे, तो आपको अपने अंदर एग्रेशन लाना पड़ता है थॉट के थ्रू, बट आपको उस कंट्रोल को भी जानना चाहिए, आप एक बहुत अच्छे इंसान भी होने चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, नोबडी इज़ परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं, हमेशा स्टूडेंट रहना, सीखो, नॉलेज मिलती है, आप उसको अच्छे से अचीव करके आगे की तरफ बढ़ा दो ना। मेरे पास जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है या मेरे पास जो पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। देखिए, बहुत सारी महंगी अकेडमीज हैं, ज़बरदस्त महंगी अकेडमीज हैं, 5 लाख से लेकर 8 लाख तक की अकेडमीज इस देश के अंदर स्थापित हो चुकी है, इतनी महंगी अकेडमीज है। बट वो बच्चे वो कहाँ जाएंगे जो गाँव में खेल रहा है, जो देहात में खेल रहा है, जो बच्चा छोटे से टाउन में है, जो छोटे से सिटी में है, वो कहाँ जाएंगे? आज तो ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, वीडियोस के माध्यम से आपको जान पा रहा हूँ, आप मुझे जान पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जो है ना, आप विश्वास रखना कि बल्ले की ग्रिप हो, स्टांस हो, बैक लिफ्ट हो, डाउन स्विंग हो, या मैं आज जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि फ्रंट फुट ड्राइव वो किस प्रकार से करते हैं, तो प्लीज़ इन सब बातों को आप बहुत ध्यान से सुने और प्रैक्टिकली, देखो सुनना ज़रूरी तो है ही, बट प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बहुत आवश्यक हो जाता है। इफ़ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, यू आर सिंपली स्पॉइलिंग, यू आर स्पॉइलिंग योर टाइम, स्पॉइलिंग योर कैरियर्स, यू नो, कैरियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चे का कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी मुश्किल से बन पाता है। तो प्लीज़ ध्यान दें आप कि जो ड्राइव है, फ्रंट फुट ड्राइव है, वो है क्या, क्या बोला है साहब? देखिए, ड्राइव जो फ्रंट फुट डिफेंस है ना आपका, वो उसका एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंड कर देना उसको, आर्म्स को आगे की तरफ बढ़ा देना है ना, वो आपका फ्रंट फुट ड्राइव है। अब आप ये बताइए कि साहब, क्या आप ये जानते हैं कि कौन कौन सी जो गेंदे हैं उनके ऊपर ये ड्राइव मारे जाते हैं? ओवर पिच बॉल, हाफ वॉली बॉल, गुड लेंथ बॉल, है ना, पर कभी कभी गुड लेंथ बॉल जो है वो कभी कभी आप उसकी ड्राइव मार सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉल की हाइट है वो क्या हाइट पे आ रही है, बॉल किस हाइट पे आ रही है, आप फुट निकालते हैं और नी हाइट के आसपास अगर आपके बॉल वो मिलती है, देन यू कैन ड्राइव, है ना। तो ड्राइव होते कौन कौन से हैं, फ्रंट फुट ड्राइव जो है, जो वर्टिकली जो ड्राइव मारे जाते हैं वो कौन कौन से ड्राइव होते हैं, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, है ना, बैक पास द बॉलर, वो ये ड्राइव जो है ये आपको सीखने होंगे साहब। ये फ्रंट फुट ड्राइव जो मैं बता रहा हूँ आपको, डिफेंस का एक्सटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रन्स जो है वो ड्राइव करके ही बनाते हैं, लिफ्टिंग से ही बनाते हैं, बट आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आप करेक्टली टेक्निकली, टेक्टिकली नहीं, करेक्टली टेक्निकली आप करेक्ट जो है स्ट्रोक मार रहे हैं। आप ध्यान दें, आप जो स्टांस में जब आप ड्राइव मार रहे हैं, आपने स्ट्रेट ड्राइव जो मारा, तो जो आपका बॉटम है ना, ये जो टारगेट है, जिस तरफ मारा है, जिस तरफ मारा है, ठीक है, आपने स्ट्रेट ड्राइव मारा तो सामने बॉलर की तरफ जो आपने मारा है उस तरफ जो है ये बॉटम आपका होना चाहिए।
ये जो आप ऑफ ड्राइव मारते हैं ना मिड ऑफ की तरफ, तो ये मिड ऑफ की तरफ जाना चाहिए, पूरा फेस आए आपका। अगर आपकी ग्रिप बढ़िया है तो आपका पूरा फेस आ ही गई आएगा, आपकी ग्रिप में गड़बड़ है पूरा फेस नहीं आएगा। इसलिए सुनिश्चित कर लें जो मैंने बताया, ऑफ ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें यार, जब ड्राइव मार रहे हैं, जब ड्राइव बैक टू द बॉलर आप खेल रहे हैं, तो ये टो जो है वो सामने की तरफ जाएगी, उस तरफ पॉइंट करेगी, ठीक है। अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, कि आप बैलेंस कैसे बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बैलेंस आपका जो बैक फुट है वो सुनिश्चित करेगा आपका बैलेंस किस प्रकार से है। आपका बैलेंस, आपका बैक फुट उसी प्लेस पर रहेगा, हेड थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा, हेड नीचे की तरफ रहेगा, हेड अप बॉल अप, हेड डाउन बॉल डाउन, ठीक है ना। तो ये देखिए, कंट्रोल भी तो लाना ज़रूरी है, स्ट्रेंथ तो आपने डाल दी, आपने फोर्सेस का यूज़ तो कर लिया बॉल के अंदर, बट आपने अगर कंट्रोल नहीं रखा तो फिर क्या हुआ, फिर तो गए आप। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हेड जो है वो एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट है ना, हेड शुड बी डाउन। तो उसके लिए बेस्ट क्या तरीका है, आप टो के थोड़ा सा आगे ले आए हेड, ठीक है ना। तो ऑफ ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव, ये मैंने आपको बता दिया कि टो किस प्रकार से रहेगी और कैसे उसको ड्राइव को मारेगा। डिफेंस का एक्सटेंशन अगेंस्ट, आप ये डिफेंस करते हैं, ये ड्राइव है, वर्टिकली टॉप हैंड की डोमिनेंस से मारा जाता है। ऑल द बेस्ट, प्लीज डोंट इग्नोर द बेसिक्स, डोंट पास द टाइम, यूटिलाइज योर टाइम, गुड लक, यू आर वेरी वेरी प्रीशियस फॉर योर पेरेंट्स, यू आर वेरी प्रीशियस फॉर दिस ब्यूटिफुल कंट्री, गुड लक, टेक केयर।